गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की सबने ये कहा कि कोविड के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर मिला। पहला तो नंबर लेब नीज नहीं के मां 4-4 दिवसे लेब नो रिपोर्ट आयो त्यारे आ वधारे तकलीफ थई गई। जो बीजे दिवसे के 24 कलाक मां ए रिपोर्ट आयो होय तो तात्कालिक सारवार मां लेब नीज सुविधा नी पेली। अहमदाबाद जो मेगा सिटी है यहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहीं पर है, और हम लोगों को यहाँ अहमदाबाद में हॉस्पिटल नहीं मिला कि हमको आनंद जाना पड़ा था। अहमदाबाद के जो हिम्मतनगर के जो कोई जगह ट्रीटमेंट ना मिली, गाड़ी में साहब नी सेवा करी मारा छोकरा नी, पर साहब कोई कोई ने सपोर्ट ना ले साहब। 2 दिवस वेंटिलेटर मते तो मारो भाई अत्यारे सही सलामत होते, जगह नी वेट करता रिया त्यां मारा मम्मी ने ऑक्सीजन लेवल घटी गयो एना माटे मारा मम्मी एक्सपायर थई गेला अने वेंटिलेटर नी खूब जरूरी थी, वेंटिलेटर अवेलेबल हतु नहीं। तो जब आपने उनकी मदद करनी थी, अस्पताल में मदद करनी थी, तो आप नहीं थे। और जब परिवार में किसी की मृत्यु हुई, 10-15 लाख रुपए उनका बर्बाद हुआ, और जब उनको कॉम्पेंसेशन की जरूरत है तब भी आप नहीं। किस प्रकार की सरकार है? गुजरात की सरकार कहती है कि कोविड के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है गुजरात में। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की यह है, 3 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में गुजरात की सरकार कहती है 10,000, सच्चाई 3 लाख। मारी पास अत्यारे एमनो सर्टिफिकेट भी छे, ए तमने हूँ बतावी सकू के मारा भाई नो कोविड थी डेथ थी ने, तो आ सर्टिफिकेट मां केवी रीते वो ना लखी सके। अने पप्पा ने भाई ने बन्ने ने पेनी कटक ज लखी ना पी छे, पण कोरोना नथी लखी ना पी। कॉम्पेंसेशन 3 लाख लोगों को मिलना चाहिए, मगर आज के गुजरात में, गुजरात मॉडल वाले गुजरात में 10,000 लोगों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। મારા મમ્મી પપ્પાના હોસ્પિટલ માટેનો ખર્ચો બેનો થઈને 7 લાખ રૂપિયા જેવો થયેલો છે અમારે। એ ટાઈમે મારું 2.5 લાખ રૂપિયા બિલ થયું, એટલે 2 લાખ ઉપર તો અમારું બિલ લગભગ પહોંચી ગયેલું। તેમાં 50,000 તમે એ વળતર આપે ગવર્મેન્ટ, 50,000 સે ક્યા હોગા, 30,000 તો બચ્ચે કે એક બચ્ચે કી ફી હોતી હૈ સ્કૂલ કી। હવે એને પૂરું કરવા માટે અત્યારે સરકાર કે સરકાર 50,000 તમે કોઈ 50,000 માં કશું આવતું નથી। પ્રધાનમંત્રી કે પાસ હવાઈ જહાજ ખરીદને કે લે 8,500 કરોડ રૂપિયા હૈ, મગર ગુજરાત મે જો લોગ કોવિડ સે મરે હૈ ઉનકે પરિવારો કે લિયે સરકાર કે પાસ કોઈ પૈસા નહીં હૈ। ગુજરાત ઓર હિન્દુસ્તાન મે લાખો લોગો કી મૃત્યુ હુઈ। કોંગ્રેસ પાર્ટી ચાહતી હૈ કી સરકાર 4 લાખ રૂપિયે કોમ્પન્સેશન દે। कोविड के समय सबसे बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिया गया, उनका टैक्स माफ किया गया। चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है, मगर हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता को कोविड का कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जा सकता। એના સરકાર જો આપતી હોય 4 લાખ, જો સુપ્રીમ કોર્ટ મંજૂર માની સરકાર થ્રુ જો આપતી હોય તો કોંગ્રેસ સરકારનો ભી આભાર અને સુપ્રીમ કોર્ટનો ભી આભાર। નારાજગી તો પૂરેપૂરી ઈશ્વર ઉપર અને સરકાર ઉપર, બધા ઉપર। ગવર્મેન્ટ અબ હેલ્પ કરની ચાહીએ, જબ કરની થી તબ નહીં કરી, લેકિન અબ તો કરની હી ચાહીએ ઉનકો। હિન્દુસ્તાન મે લાખો પરિવાર હૈ જિનકે માતા પિતા ભાઈ બહેન કી મૃત્યુ હુઈ હૈ, વો વાપસ નહીં આયેંગે। મગર એક બાત યાદ રખીએ, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दम लगाकर उन परिवारों को 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिलवाएगी, और हम सरकार पर पूरा दबाव डालकर उनसे ये काम पूरा करा के रहेंगे।